हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोमेम। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्क्वैच जो स्वाब टेक्निक है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एंट्रोबियस जो वर्मिकुलरस है, जिसको पिन वर्म भी कहते हैं, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करवाया था। उसमें हमने देखा था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, हैबिटेट देखी थी, इसके अलावा जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया था और लैब डायग्नोसिस भी देखा था। तो जब हम इसका लैब डायग्नोसिस करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सैंपल कलेक्शन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो पेरिनल जो है उससे किस तरह से हम सैंपल कलेक्शन करते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चल स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो स्क्वैच जो स्वाब टेक्निक है उसमें हम कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स यूज़ करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें चाहिए एक हमें सेलो टेप चाहिए, सीजर्स चाहिए, टंग डिप्रेसर चाहिए और स्लाइड्स चाहिए। इसके अलावा कुछ पेपर के पीसीज चाहिए। और इससे पहले जब आप सैंपल कलेक्शन करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको पीपीई यूज़ करना है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड है। तो इसलिए जब भी आप कलेक्शन करें लैब में तो उसके लिए आपको ग्लव्स पहनने, मास्क पहनना है और जो लैब गाउन होता है उसको यूज़ में लेना है। यहाँ मैं आपको केवल एक डेमो करके बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्लाइड ले लेते हैं, स्लाइड को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं, स्लाइड अच्छी तरह से क्लीन होनी चाहिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक सेलो टेप लेंगे। सेलो टेप को हम जो स्लाइड है उसके हाफ पार्ट्स में पेस्ट करते हुए इसको इस तरह से आपको क्या करना है, हाफ पार्ट में इसको पेस्ट कर दिया और फिर आपको इसको टर्न करते हुए पूरी को आपको इसमें अटैच कर देना है बैक साइड तक, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, ये इसका बैक साइड हो गया और ये इसका क्या हो गया, फ्रंट साइज हो गया। अब हमें यहाँ से इसको थोड़ा सा कट कर देना है। फिर आपको ये जो पेपर है उसको आपको यहाँ से क्या कर देना है, इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है। इस पर आप क्या कर सकते हो, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशंस इसमें आपको राइट डाउन करनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टंग डिप्रेसर लेना है और इस जो स्लाइड हमने यहाँ पर पेपर टेप इसको पेस्ट किया है इसको वापस से क्या करना है, बैक साइड में ले जा करके खोलना है, इसको पूरा खोल देना है, ठीक है। ये खुल गया। अब आपको क्या करना है, इसके बैक साइड में आपको ये जो टंग डिप्रेसर है इसको 1/4 तक ले जा करके और इस तरह से वापस से बैक साइड से आपको इस तरह इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो जो आपका ये स्टिकी पार्ट है ये आपका ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि इस पर क्या होगा, जो सैंपल होगा वो स्टिक होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या बन गया है, एक सैंपल स्टिक बन गई है इस तरह से। इस टेक्निक को आजकल यूज़ में नहीं लिया जा रहा है, इसके अलावा क्या हो गया, एडवांस टेक्निक भी आ गई है, वो होती है NIH। उसमें क्या करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से जो स्वाब है वो रेडीमेड बने हुए आते हैं और उससे क्या करते हैं, पेरिनल जो एरिया है उससे सैंपल कलेक्शन किया जाता है। तो इससे हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे। सपोज करिए ये क्या है, पेरिनल एरिया है और आपको क्या करना है, सैंपल कलेक्शन करना है। किस तरह से करोगे, ये हमने क्या बनाया, इसका स्वाब बना लिया और इसको इस तरह से सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, वापस से इसको जो पेपर वाला पार्ट था उसको वापस से खोलना है। ये खोल के और हमें ये टंग डिप्रेसर है उसको यहाँ से इस तरह से हटा देना है और वापस से ये जो इस पर कलेक्शन हुआ है यहाँ पर सैंपल का, इसको वापस से इस स्लाइड पर वापस से क्या कर देना है, इस तरह स्टिक कर देना है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, इसका सैंपल कलेक्शन ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्नोस करेंगे कि इसमें जो एंट्रोबियस वर्मिकुलरस है उसके वर्म्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था।
आज के वीडियो में मैंने आपको पूरा डेमो करके दिखाया है कि किस तरह से सैंपल कलेक्ट किया जाता है पिनवर्म के लिए। पिनवर्म जो मोस्टली छोटे बच्चों में पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उसके लिए लिया जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।